नमस्कार, मैं डॉक्टर आयुष पांडे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर में दो गुर्दे होते हैं जो मुख्य रूप से यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड आदि नाइट्रोजन युक्त गंदे पदार्थों को रक्त से छानने में मदद करते हैं। लाखों लोग विभिन्न प्रकार के गुर्दे की बीमारियों के साथ रह रहे हैं और उनमें से अधिकांश को इसके बारे में भनक तक नहीं है। यही कारण है कि गुर्दे की बीमारी को अक्सर एक साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को इस बीमारी के बारे में तब तक नहीं पता चलता जब तक ये एक गंभीर रूप ना ले ले। जबकि लोग अपने रक्तचाप, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर की नियमित रूप से जांच करवाते रहते हैं, पर अपने गुर्दे की किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए एक सरल जांच जो कि क्रिएटिनिन परीक्षण है, नहीं करवाते। किडनी रोग के चेतावनी के कई संकेत होते हैं, हालांकि अधिकांश समय हम इन्हें अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि जब उसे गुर्दे के रोग के कोई भी लक्षण दिखें तो उसे जल्द से जल्द रक्त, यूरिन और इमेजिंग स्टडीज की जांच करवा लेनी चाहिए। अब बात ये आती है कि कैसे पता करें कि आपको गुर्दे की समस्या है या नहीं। हमारा शरीर कुछ शुरुआती ऐसे संकेत या लक्षण देता है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपको गुर्दे की समस्या है या नहीं। शुरुआती संकेतों में से एक है टखनों, पैरों या एड़ी के पास सूजन का दिखाई पड़ना। ऐसी जगहों पर सूजन दिखाई देने लगती है और यदि आप इस पे अपने उंगली से दबाव रखेंगे तो यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं जिसे हम पिटिंग एडीमा कहते हैं। आपकी आँखों के पास या आँखों के नीचे भी तरल पदार्थ जम जाते हैं जिसकी वजह से आँखों पे सूजन आ जाती है। इसे हम पेरीऑर्बिटल एडीमा कहते हैं। गुर्दे की बीमारी का ये एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। गुर्दे की बीमारी का एक सामान्य लक्षण थकान और कमजोरी का महसूस करना भी है। दिन भर काम करने के बावजूद या बिना काम किए भी आप थकान का अनुभव करेंगे और आपके शरीर में जान नहीं रहेगी। शरीर में यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड जैसे गंदे पदार्थों के बढ़ने के कारण आपकी भूख प्यास भी खत्म हो जाएगी। यह भी गुर्दे की बीमारी का शुरुआती लक्षण होता है। जैसे जैसे गुर्दे की बीमारी बढ़ते जाती है, रोगी अपने मुंह में स्वाद के बदलाव को भी महसूस करता है और उसे एक मेटल या एक धातु के टेस्ट आने की लक्षण आने लगते हैं। यदि किसी को दिन भर बिना कुछ खाए भी पेट भरा भरा या फूला फूला भी महसूस होता है तो ये एक खतरे की घंटी का अनुमान है और उसे अपने गुर्दे की जांच करानी चाहिए। सुबह सुबह उल्टी या मिचली का अनुभव करना भी गुर्दों के बीमारी का संकेत हो सकता है। गुर्दे की बीमारी के कारण आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी भी हो जाती है जिसे हम एनीमिया कहते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी कमज़ोर और थकान को महसूस करता है और पीला भी दिखने लगता है। एनीमिया का कारण एरिथ्रोपोएटिन का शरीर में ना बनना या फिर आयरन का पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाना होता है। यदि आप बार बार पेशाब जा रहे हैं, खास तौर पे रात के समय अगर आपको अधिक मात्रा में पेशाब आ रही है तो ये गुर्दे की बीमारी का संकेत हो सकता है। गुर्दे हमारी पेशाब को फिल्टर करते हैं और अगर इस प्रणाली में कोई दिक्कत आती है तो पेशाब अधिक मात्रा में बाहर निकलने लगता है। मूत्र में छाक या रक्त का आना भी गुर्दे की बीमारी का संकेत होता है। जब गुर्दे का फिल्टरिंग तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पेशाब के रास्ते रक्त कोशिकाएं और प्रोटीन बाहर रिसने लगती हैं। ये गुर्दे की किसी बीमारी का संकेत या गुर्दे में पथरी या किसी संक्रमण को दर्शा सकता है। सूखी और खुजली वाली त्वचा भी गुर्दे की बीमारी के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। पीठ दर्द या पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना भी
गुर्दे की बीमारी के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। किडनी की बीमारी का एक शुरुआती लक्षण हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि किडनी में छोटी छोटी नसें होती हैं और अगर ये नसों को क्षति पहुंचती है जिसकी वजह से ये नसें आपस में सिकुड़ जाती हैं और रक्त कोशिकाओं पे दबाव डालती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आपने माई उपचार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आएं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस संदर्भ में आपके कोई और सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें।